जय हिंद साथियों। साथियों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए खान पान अति आवश्यक चीज है। यदि हमारा खान पान सही होता है तो हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। पहले हमारा स्वास्थ्य ही होता है जो हमारा प्रथम धन होता है, उसके बाद ही कोई अन्य धन होता है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हमारे जीवन में पौष्टिक आहार और सही समय पर सही आहार का चुनाव करके उसका प्रयोग करना, उसे अपने भोजन में शामिल करना। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे खाद्य पदार्थ के विषय में बात करने वाले हैं जो हमें कई तरह के घातक बीमारियों से बचाने का काम करता है। जाने अनजाने हम इन चीजों का सेवन अक्सर करते रहते हैं। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें भी इन चीजों का सेवन करना चाहिए। जिन्हें पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई समस्या है उनके लिए भी वरदान की तरह कार्य करता है। कैंसर से बचाव के लिए भी वरदान के रूप में साबित होता है यह खाद्य पदार्थ। इसके साथ ही हमें डायबिटीज जैसे खतरनाक बीमारी से भी बचाए रखता है। प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं मूली के विषय। मूली हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है। कई लोगों को मूली कच्चा खाना पसंद है तो कई लोगों को मूली के पराठे खाना पसंद है, कई लोगों को मूली का साग खाना पसंद होता है। इस वीडियो में मूली के कुछ ऐसे फायदों के विषय में बात कर रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आप रोजाना मूली खाना पसंद करेंगे। मूली में एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी होती है जो इम्यून प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती है, ग्लूकोज को बढ़ाती है और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। मूली रक्त शर्करा के स्तर को रेगुलेट करता है। मूली में बायोएक्टिव कंपाउंड भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को मूली का रोजाना सेवन करना चाहिए। मूली में कुछ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है जो कई तरह के कैंसर के होने के जोखिम को कम कर सकती है। मूली एक क्रूसीफेरस सब्जी है। क्रूसीफेरस सब्जियों में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो पानी के साथ मिलाने पर आइसोथियोसाइनेट्स में टूट जाते हैं। आइसोथियोसाइनेट्स कैंसर पैदा करने वाले कारकों और ट्यूमर के विकास को रोकने में मदद करते हैं। इसलिए अगर आप कैंसर से बचाव चाहते हैं, अगर कैंसर जैसे बीमारी से बचे रहना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट में मूली का सेवन अवश्य करना चाहिए। मूली में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर होते हैं जो GI ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। फाइबर आपकी आंतों के जरिए अपशिष्ट पदार्थ को स्थानांतरित करने में मदद करती है। इससे मल त्याग करने में कोई परेशानी नहीं होती है। कब्ज की समस्या से भी बचाव होता है। इस तरह से पेट की सेहत दुरुस्त बनी रहती है। अगर आपको पाचन से संबंधित समस्या होती है तो आपको अपनी डाइट में मूली का सेवन करना चाहिए। मूली में पोटेशियम काफी होता है। यह रक्तचाप के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मूली खाने से हार्ट अपना कार्य ठीक तरह से करता है। इसमें एंथोसाइनिन नामक कंपाउंड होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को सुधारते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो उन्हें मूली का सेवन करने की सलाह दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने जाना मूली खाने से हमें कौन कौन से फायदे होते हैं, मूली हमें कौन कौन सी बीमारियों से बचाता है, किस प्रकार से मूली फायदेमंद है। अगले सेशन में हम किसी अन्य चीज के बारे में जानेंगे। साथियों, हमारा उद्देश्य आप तक जानकारी पहुंचाना है। किसी भी नुस्खे को प्रयोग में लाने से पहले अपने डॉक्टर या फूड विशेषज्ञ से सलाह अवश्य ले लें। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी अवश्य दबा दें। इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं जो आपके ज्ञान को और भी बढ़ाएगा। दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आप किसी फल के विषय में, किसी खान पान के विषय में जानना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।